साबरमरा के ऑक्सीजन जोन में 7 नवंबर को बुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें हिंदू देवी देवताओं के विरोध में ली गई शपथ के खिलाफ जमकर प्रदर्शन हुआ। कई हिंदू संगठन द्वारा अलग अलग समाज के पदाधिकारियों द्वारा रैली निकाली गई और विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया गया। जिला प्रशासन और पुलिस को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की गई। वहीं पहले राजगामी संप्रदाय न्यास के अध्यक्ष विवेक वासनिक को पद से हटाने की मांग की गई। राजगामी कार्यालय के सामने विवेक वासनिक का पुतला भी जलाया गया। राजनांदगांव से राहुल गौतम की रिपोर्ट। दो दिन पहले जो मोहरा के पास ऑक्सीजन हुए वहाँ पर बौद्ध समाज के कार्यक्रम हुआ है, जिसमें कोई बाहर से कोई व्यक्ति आया था और उसने हिंदू सनातन धर्म के देवी देवता के खिलाफ टिप्पणी करते हुए शपथ दिला उपस्थित जनसमूह को कि हम हिंदू धर्म के देवी देवता को नहीं मानेंगे। ये जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिंदू समाज जिस तरह भगवान राम का सम्मान करता है, जिस तरह कृष्ण की पूजा करता है, उसी तरह भगवान बुद्ध को भी मानता है, और उसी तरह सम्मान जिस तरह हम नानक देव का, रविदास जी का, कबीरदास जी का ये सम्मान करते थे, बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान करते हैं। हिंदू समाज जो है सारे साधु संतों का, सारे लोग का सम्मान करता है, मगर ऐसे कुछ मुट्ठी भर लोग जो हिंदू समाज को जाति, मत, पंथ, संप्रदाय के रूप में तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, इसके हम विरोध में आज एकत्र हुए थे। आप सबको जानकारी होगा कुछ दिन पहले इसी तरह का शपथ ग्रहण एक ठोक हिंदू धर्म और हिंदू देवी देवता के खिलाफ दिल्ली में भी हुआ था। मतलब आप ये विचारणीय प्रश्न है और ये राष्ट्रीय विषय है कि ऐसे शपथ लेकर भगवान बुद्ध के आड़ में, बाबा साहब जैसे महान व्यक्ति के आड़ में समाज को जो तोड़ने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, इसके खिलाफ हिंदू समाज को संगठित होना होगा। ये चाहे वो भगवान बुद्ध को माने, चाहे गुरु नानक को माने, घासीदास को माने, रविदास को माने, चाहे माता कर्मा को माने, किसी को भी माने, वो सब हमारे लिए हिंदू समाज के ही हमारे भाई बंधु हैं। और हमारे बीच में, हिंदू समाज के बीच में जो फूट डालाने का जो प्रयास, डालने का जो प्रयास करे, समाज को तोड़ने का जो प्रयास करे, उसके खिलाफ हम सब आज एकत्र हुए और हमने ये मांग के शासन प्रशासन की जो ऑक्सीजन में जो कार्यक्रम को संचालित मतलब आयोजित किया है, जो वहाँ पर जो प्रमुख रहा है और जिसने भगवान क्या नाम से जिसने शपथ दिलाया है हिंदू धर्म के देवी देवताओं के खिलाफ जिसने शपथ दिलाया है, और विवेक वासनिक, क्योंकि वो उनके मार्गदर्शन, विवेक वासनिक के मार्गदर्शन वो एक संवैधानिक पद में बैठे हैं, उनको सारे धर्मों का सम्मान करते हुए रहना चाहिए। वो आज एक ऐसा कृत्य कर रहे हैं जिससे हिंदू समाज में बहुत आक्रोश है। तो हिंदू समाज आज एकजुट हुआ विश्व हिंदू परिषद भजन दल के साथ और ज्ञापन दिया है कि जो ऑक्सीजन में कार्यक्रम हुआ है उसके आयोजक और विवेक वासनिक और जो भी उसमें जिम्मेदार पदाधिकारी उनके पर धार्मिक भावना को आहत करने के लिए कानूनी कार्रवाई की जाए और उनके खिलाफ FIR करके उनको अरेस्ट किया जाए और विवेक वासनिक को दायित्व से मुक्त किया जाए। इस मांग को लेकर आज हम सब ने SP को ज्ञापन सौंपा है। शुभ नाम अरुण गुप्ता, विभाग मंत्री। देखिए कल राजनांदगांव में मोहरा मेला के पास में बौद्ध धर्म सम्मेलन हुआ था, जहां पर के कुछ लोगों के द्वारा धर्म सम्मेलन के नाम से हमारे हिंदू देवताओं के ऊपर में अभद्र टिप्पणी की थी और सार्वजनिक रूप से उसे न मानने के लिए बात कही गई है। इससे हमारी संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक भावनाओं को इस ठेस पहुंचती है और गहरी ठेस पहुंची है। सारे हिंदू भाई बहन चाहे किसी भी धर्म जाति के लोग हैं बहुत ही उद्वेलित है। राजनांदगांव एक संस्कारधानी शहर है जहाँ पर लोग आपस में प्रेम से, एकता से, भाईचारे के साथ रहते हैं। उस जगह पे इस तरीके से घृणित कार्य करके माहौल खराब करने का प्रयास किया गया था। ये राजनांदगांव जो है वैष्णव राजा का गांव है, ये उसके जो अध्यक्ष हैं वासनिक जी वो पदेन अध्यक्ष होकर भी उसमें शरीक हुए और उनके द्वारा इस प्रकार से गैर कानूनी और विधि विरुद्ध कार्य किया गया। हम सारे लोग जो है चाहे विभिन्न किसी भी जाति धर्म के, हम हिंदू हैं, ये देश जो है बुद्ध का भी है, महात्मा गांधी का भी है, सारे महापुरुष का, महाराणा प्रताप का है। इसी स्थिति में किसी भी धर्म को, हमारा संविधान, हमारा बाला साहब अम्बेडकर ये नहीं कहता कि किसी भी धर्म को जो है आप अपमानित करें। हम खुद उनके अनुयायी बाबा साहब के, बुद्ध भगवान बुद्ध को भी हम भगवान का दर्जा दिए हुए हैं। उन्होंने हमेशा एकता, भाईचारे की बात कही है। ऐसी स्थिति में उनके कुछ
असामाजिक तत्व कह सकते हैं उनके द्वारा इस प्रकार से जहर फैलाना निश्चित रूप से निंदनीय है। और मैं समाज की ओर से और राजनांदगांव की जनता की ओर से ये मैं अपील करता हूँ कि तत्काल इस पे जो है कड़ी की कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि जो है और जो है माहौल खराब ना हो, अन्यथा जो पूरा शहर जो है उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होगा। किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं आप लोग, किस तरह की कार्रवाई? ऐसे लोगों को जो पहले तो उसको अस्थि जोन को मुक्त कराया जाए, किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? हम जो इस तरीके से कृत्य किए हैं वो असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है, उन पर तत्काल FIR करके उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई की जाए। दूसरे अगर किसी तरीके से अवैध कब्जा है या किसी प्रकार के, उसको तत्काल हटाया जाए। और जो जिस पद पे हैं उनके द्वारा अपने बायलास और नियम विरुद्ध अगर काम किया जा रहा है, उनको भी वहां से हर बर्खास्त किया जाए। यही एक प्रश्न है कि उस कार्यक्रम में हेमा देशमुख जो भी पद में है और डॉक्टर रमन सिंह भी विधायक है, वो भी शरीक हुए, तो उससे क्या कहेंगे? देखिए, मैं यहाँ पर अपने सिर्फ हिंदू धर्म की बात कर रहा हूँ, राजनीति और पद एक अलग की बात है। जो इसमें शामिल है सबके ऊपर में कार्रवाई करनी चाहिए। पहले हम हिंदू हैं, पहले हम भारतीय हैं, बाद में हम किसी दूसरे पार्टी से बिलोंग करते हैं, उसके लिए हमको एक होना चाहिए। और मैं आप लोगों से भी मैं विनती करता हूँ, अपील करता हूँ, मैं इसमें मीडिया प्रेस वालों को भी, आप लोग भी इसमें शामिल होइए। ये हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए ये जो है बहुत जरूरी है, इस समय का कदम उठाना।